स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जा रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ रांची में खेला जा रहा है। और दोस्तों, जिसके पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और कई ऐसे रिकॉर्ड्स इस मैच में भी टूटे हैं, जहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे ही एक खास रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इस मैच में भी सिक्का उछला और गिरा भारतीय कप्तान विराट कोहली के पक्ष में। और एज यूजुअल कोहली ने एक बार फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन दोस्तों बाकी के दोनों टेस्ट मैचेस के जैसे ही इस टेस्ट मैच की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं हुई। और भारतीय टीम ने पहले सेशन में अपने तीन इंपॉर्टेंट विकेट मयंक, पुजारा और कप्तान कोहली के रूप में खो दिए। और दोस्तों, टीम पहले सेशन में मात्र 71 रन ही बना सकी। और दोस्तों, लंच के बाद जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे जो है वो बैटिंग कर रहे थे। फिर दूसरे सेशन में डबल आर यानी कि रोहित एंड रहाणे की जोड़ी ने साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और दोस्तों, काफ़ी तेज़ गति से रन बनाने जो है वो स्टार्ट कर दिए। और दोस्तों, इस मैच में रोहित ने एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी में खुद को साबित कर दिया और दोस्तों लगा दिया अपने ओपनिंग टेस्ट करियर का तीसरा शतक। और गाइस, रोहित ने बतौर ओपनर अपने पहले तीन मैचों की चार पारियों में ही तीन शतक जड़ दिए हैं। और अभी भी जो है वो रोहित शर्मा 117 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे में उम्मीद पूरी लगाई जा सकती है कि रोहित शर्मा इस मैच में अपना दोहरा शतक जरूर कंप्लीट करेंगे, जो कि दोस्तों पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा मात्र 24 रन से चूक गए थे। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट मैच में रोहित के पास एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म और बढ़िया मौका है अपने दोहरे शतक को कंप्लीट करने का। वहीं दोस्तों, इसके अलावा रोहित शर्मा जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। और अजिंक्य रहाणे ने भी इस टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर की सबसे तेज 50 लगाई है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के मारने के रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज के हेटमायर और इंडिया के हिटमैन में इस मामले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अभी भी रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं और अभी भी और इस सीरीज में रोहित अब तक जो है वो अब तक की चार पारियों में 15 छक्के जड़ चुके हैं। और दोस्तों, अभी और छक्के जड़ने की उम्मीद जो है वो रोहित शर्मा से हम लगा सकते हैं और इसी वजह से रोहित शर्मा जो है वो इस रिकॉर्ड में आगे भी हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें हेटमायर की, तो दोस्तों हेटमायर ने एक सीरीज में सबसे ज़्यादा 15 छक्के जड़े और उन्होंने ये कारनामा जो है वो साल 2018-19 में बांग्लादेश के खिलाफ किया था। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा बहुत जल्द हेटमायर को पीछे कर देंगे और एक सीरीज में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी जो है वो बन जाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा ऐसा करने में कामयाब हो, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, इसी तरह से क्रिकेट के इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।